एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यूट्यूब माय चैनल। ये सुंदर सुंदर फूल अभी भी पिटूनिया थोड़े बहुत खिल ही रहे हैं मेरे गार्डन में। ये देखिए इनका कलर कितना सुंदर है। दोस्तों आज का टॉपिक है ये कोचिया। ये समर का बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही सॉफ्ट सो प्लांट है ये। और अपनी ग्रीनरी और साथ ही इसका गोल शेप जो निकल के आता है, जो हम पिंचिंग करते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं, वही बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए बात करते हैं ऐसा क्या करें हमारे अपने गार्डन के अंदर जो जिससे हम इसको घना और सुंदर बनाएं कोचिया के प्लांट को। दोस्तों इसको जैसे कोलियस का प्लांट होता है, उसको पिंचिंग करते रहते हैं, बहुत घना बुसी बहुत बड़ा बन जाता है, उसी प्रकार कोचिया को भी पिंचिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसकी जो ये ब्रांचेस थोड़ी थोड़ी इधर उधर बड़ी लैगी हो जाती हैं, उसको हम कट करके उसी शेप में कर लेते हैं। आप चाहो इसका बिल्कुल गोल शेप बन जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी जो भी ब्रांच इधर उधर है, जैसे ये थोड़ी सी मैंने 8 दिन पहले कट किया था, तो इसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं गई है। मैं बता देती हूँ, जैसे ये थोड़ी बहुत जो भी शेप से बाहर जाती हैं, आप चाहो तो ऐसे हाथ से कट कर सकते हैं, नहीं तो आप सीजर से ज़्यादा अच्छा रहता है, एक ही शेप आ जाता है। आप बिल्कुल गोलाई ऐसे ले आइए और 8 दिन के बाद फिर से न्यू पत्तियाँ निकल आती हैं इसकी। इसमें अभी ज़्यादा नहीं है लेकिन शेप देने के लिए ठीक है। तो आप उसे हाथ से भी ऐसे पिंच कर सकते हो और सीजर से भी कोई भी शेप दे सकते हो। गोल शेप इसके बहुत। और इसके गमले की बात करते हैं तो गमला इसे ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं चाहिए, 9-10 इंच का गमला इसके लिए ठीक है, क्योंकि इसकी जितनी ये ऊपर बढ़ता है उतनी इसकी रूट नीचे भी जाती हैं, तो बहुत छोटा गमला ठीक नहीं है। मेरे तो ये देखिए छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे से हो रहे हैं, बहुत अच्छे। अभी तो ये मैंने लगाए हैं 15-20 दिन हुए हैं। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जो मैं प्लांट खरीद के लाई थी, लेकिन बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे। अभी थोड़े से और ये बड़े हो जाएंगे। बस इसमें कोचिया के प्लांट में सबसे टाइम टू टाइम अगर हम पिंचिंग करके रहते हैं तो बहुत अच्छे से ये चलता रहता है। नीचे से नई पत्तियाँ निकलती रहती हैं और आपके जो गोल शेप देना चाहते हैं वो शेप, और बहुत ही अच्छा प्लांट घना बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर पिंचिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके जो ये ब्रांचेज ऊपर की तरफ निकलेंगी उसमें सीड बनने लग जाएंगे बहुत जल्दी, तो ये प्लांट फिर सोचेगा कि अब तो मेरा काम सीड बनाने का है और बड़ा नहीं होना है मुझे, तो बहुत जल्दी इसमें सीड बनने लग जाते हैं रेड रेड कलर के। तो उससे अच्छा आप पिंचिंग करते रहिए, प्लांट भी आपका बुसी हो जाएगा और थोड़े दिनों तक ज़्यादा चलता है फिर। और सनलाइट की बात करते हैं दोस्तों, इसे सनलाइट पसंद है, 4-5 घंटे की धूप तो इसे चाहिए ही चाहिए, बिना सनलाइट के ये अच्छे से ग्रो नहीं होता है, घना नहीं होगा, बहुत अच्छा सा नहीं लगता है, बिखरा बिखरा सा लगता है देखने में। इसकी ब्रांचेज जो हैं पूरी लेगी हो जाती हैं फिर। और दोस्तों अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र इसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जब आप मिट्टी बनाते हैं तो आप गोबर की खाद देते ही हैं, गोबर खाद इसके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी ग्रीनरी बनाए रखने के लिए इसकी पत्तियां जो ग्रीन ग्रीन होती हैं गोबर की खाद से ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं 2-3 मुट्ठी। और इसे नमी दोस्तों बहुत पसंद है इसकी मिट्टी में, ये देख रहे होंगे मिट्टी की हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, जैसे ये है बिल्कुल सूखी नहीं रहनी चाहिए, इसे नमी पसंद है तो इसकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए, हल्की गीली सौगी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर इसके ग्रो करने की बात है तो इसके सीड फरवरी में हम लगा सकते हैं, फरवरी में सीड लगाएंगे तो मार्च अप्रैल में आप रिपोर्ट कर सकते हैं इसे। और इसका प्लांट जो है अक्टूबर तक तो बहुत अच्छे से चलता रहता है। तो और वाटरिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे वाटरिंग डेली देना है, पानी हमें डेली देना है, क्योंकि इसे नमी पसंद है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी मिट्टी फिर सूख जाएगी, इसलिए एक टाइम तो पानी इसे डेली देना है।
और फर्टिलाइज़र आप 10 दिन में दे सकते हैं। नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन हैं, तो इसकी नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। आप इसकी हैज भी बना सकते हैं, आप कुछ भी, आप जैसे ये कोचिया हो गया और एक कोई कोलियस हो गया, ये दोनों मिला के लगाइए, बहुत ही सुंदर। एक गमला कोचिया का हो गया, एक गमला कोलियस का हो गया, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर फिर लगता है। इसकी आप ऐसे सीधे सीधे हैज भी बना सकते हैं, कहीं पे लाइन से लगाना हो तो इसको आप हैज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसे बस पिंचिंग कटिंग करते रहिए तो इसकी शेप बहुत अच्छी आ जाती है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इसे फुल सनलाइट चाहिए, 5-6 घंटे की धूप चाहिए। ओवर वाटरिंग इसे बिल्कुल नहीं पसंद है दोस्तों, ओवर वाटरिंग से अगर इसके गमले में पानी रुकता है तो इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, इसकी रूट में फंगस लग जाएगा, फिर प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और बस टाइम टू टाइम आप इसे नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देते रहिए, या फिर जब आप इसकी मिट्टी बनाते हैं तो गोबर की खाद अच्छे से दे दीजिए, फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और फरवरी में इसके सीड आप जर्मिनेट कर सकते हैं, और ये प्लांट अक्टूबर से नवंबर तक चलता है। ओके दोस्तों, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है कोचिया प्लांट की, तो आप लोग भी इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर समर गर्मियों में फ्लावर बहुत कम हो जाते हैं, और कुछ फ्लावर होते हैं जो मतलब चलते भी नहीं हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं, मतलब ऐसे छाएँ वाली जगह चाहिए, थोड़ी धूप थोड़ी छाया चाहिए, तो इस वजह से भी नहीं हो पाते हैं। तो आप कोचिया के प्लांट लगा सकते हैं, ये ग्रीन ग्रीन फ्लावर भी नहीं होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं ग्रीन ग्रीन। इतनी गर्मी पड़ती है फिर भी ये ग्रीन ग्रीन देख के आँखों को बहुत ही ठंडक लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।